जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। और आज फिर से हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज के प्रश्न हैं 600 से लेकर 650 तक के प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं। ये वीडियो जो है मैक्सिममली जो स्पॉन्सर्ड है वो HPPSC के एग्जाम्स और साथ में HP टैट पटवारी एलाइड सर्विसेज के लिए जो है वो चल रही हैं ये क्लासेस। आप इन क्लासेस का मजा लीजिए और इन क्वेश्चंस को नोट करिए, लर्न करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं पेपर में आने वाले हैं, यहीं से पेपर में आएगा इन पेपरों में। तो आप कहीं ना जाए, सिर्फ इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ साथ में जो है अपनी तैयारी को जो है बेहतर तैयारी बनाते हुए चले, ठीक है जी। और पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। गुरु हर गोविंद सिंह के स्थायी तौर पर कीरतपुर पर रहने के कारण शाहजहां ने कहलूर के किस राजा को हर गोविंद को वहां से निकालने के आदेश दिए थे। देखिए कितना टफ क्वेश्चन आता है, इस प्रकार से पूछेंगे। कहलूर, या आपको पता होना चाहिए बिलासपुर के का नाम है, खैलूरी भाषा बोली जाती है। तो गुरु गोविंद सिंह के स्थायी तौर पर यानी कि परमानेंट रहने के लिए जो है कीरतपुर पर रहने के कारण जो है शाहजहां ने कहलूर के किस राजा, कहलूर के कौन से राजा को हर गोविंद को वहां से निकालें कि वो वहां पर रहता है और आप उसको निकालो, तो किस राजा को ये कहा गया था, ये क्वेश्चन है। तो राजा ताराचंद को ये आदेश दिए गए थे शाहजहां के द्वारा, और आदेश मानने से उन्होंने जो है इनकार भी किया है, ठीक है। अगला सवाल, सांडूरा मैदान कन्ने झीला रा पानी हुन नलवाड़ी असा केथी लगाणी, ये गीत किस के निर्माण के कारण ये प्रसिद्ध हुआ है। तो ये जो गीत है वो है हमारी गोविंद सागर झील, यानी कि हिमाचल की कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है, जो कि हिमाचल की सबसे बड़ी झील है। अगला सवाल, बिलासपुर का प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर किसको समर्पित है। तो बिलासपुर का जो रंगनाथ मंदिर है वो है शिव भगवान को समर्पित, इसको है शिव भगवान। अगला सवाल है, पीर पंजाब पर्वत शिखला अन्य किस नाम से जानी जाती है। तो ये चंबा में है, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, पांगी श्रृंखला के नाम से भी जानी जाती है, पीर पंजाब श्रृंखला। अगला सवाल है, संपूर्ण पंजाब हिमालय व हिमाचल हिमालय का इकलौता रियासती राज्य कौन सा है जो कि मुस्लिम व गोरखा के आक्रमण व हिंसा से वंचित रहा। तो ये सभी गोरखे जो हैं वो चंबा जिले की तरफ नहीं गए हैं, ये लर्न रखिएगा, चंबा इसका सही आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश के प्राचीन राज्यों में त्रिगत कुल्लू के बाद किस का स्थान आता है, तो उसके बाद आता है चंबा जिले का, किसका है, चंबा जिले का नाम आता है। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश के प्राचीन राज्यों में त्रिगत, अच्छा चंबा जिले का, अगला है चंबा रियासती राज्य की नींव छठी शताब्दी में किस सूर्यवंशी राजा ने डाली थी। तो ये था राजा मेरुवर्मन, कौन थे बेटा, राजा मेरुवर्मन ने डाली थी ये नींव। अगला सवाल है, चंबा के किस राजा ने अपने नाम के साथ वर्मन उपनाम जोड़ा था, तो आदित्य वर्मन ने अपने साथ जो है ये नाम जोड़ा था। अगला सवाल है, चंबा के प्रसिद्ध मंदिर मणिमहेश में लक्षणा, मैंने पहले बताया लक्षणा भी बोलते हैं इस मंदिर को, लक्षणा जो है गणेश और नरसिंह मंदिर किसने बनवाया था, तो वो भी मंदिर किसने बनवाया था, आंसर इसका रहेगा मेरुवर्मन, किसने बनाया था, मेरुवर्मन ने बनवाया था। अगला, चंबा के किस राजा का पालन पोषण सुकेत के राजा ने किया और दहेज में
पांगणा यानी कि प्रंगणा को भी दिया। तो इसका सही आंसर रहेगा वो है मूषण बर्मन, क्योंकि उसका जो है मूषको ने जो है इसका सेव किया था, इसको बचाया था, तो इसलिए इसका नाम मूषण बर्मन भी बोल सकते हो या मूषण बर्मन भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है साहिल वर्मन की पत्नी की याद में 15 चैत्र से पहली बैसाख तक कौन सा मेला आयोजित किया जाता है और जिसमें केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं, तो वो चंबा का है सूही मेला, जिसमें स्त्रियां बढ़ चढ़ कर जो हैं वो भाग लेती हैं। चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में किसकी मूर्ति स्थापित की गई है? तो चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान विष्णु की जो है मूर्ति को स्थापित किया गया है प्यारे बच्चों। अगला सवाल है प्राचीन काल में चकली कहां की मुद्रा थी? तो चकली जो है प्राचीन काल में चंबा की मुद्रा थी। अगला है चंबा के किस राजा ने कश्मीर और लद्दाख पर आक्रमण करके उसे लूटा था? तो विजय वर्मन थे। कौन थे? विजय वर्मन। और मैक्सिमम वर्मन जो है ना वो रहे चंबा में, ठीक है। नेक्स्ट है चंबा के किस राजा को नाई की लड़की से प्रेम हो गया था? देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतने टफ और डीपली अंदर तक पूछे जा रहे हैं, तो उदय सिंह जो है वो इसका सही आंसर है। अगला है 1805 में जब संसार चंद ने कहलूर रियासत पर आक्रमण किया तो उस समय कहलूर के राजा महान चंद ने गुलेर सुकेत मंडी के राजाओं ने मिलकर नेपाल के किस गोरखा सरदार, ये रहा गोरखा सरदार, को कांगड़ा पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो ये थे हमारे गोरखा जो सरदार थे वो थे अमर सिंह थापा। कौन थे? अमर सिंह थापा इसका सही आंसर रहेगा। अगला सवाल 1809 में गोरखों के आक्रमण से लड़ने के लिए सहायता प्राप्त करने के लिए महाराज रणजीत सिंह के पास राजा संसार चंद ने किसको भेजा था? तो वो थे फतेह, क्या नाम था? फतेह चंद। अगला सवाल राजा रणजीत सिंह ने संसार चंद को कांगड़ा किले को गोरखों से मुक्त करवाने के लिए कितने गांव जो हैं वो दिए थे या दान किए थे? तो वो उन्होंने टोटल गांव जो हैं वो 66 गांव जो हैं वो दान किए थे। अगला है जब कांगड़ा रणजीत सिंह ने के हाथ में आया तो उस किसको कांगड़ा का नाजिम नियुक्त किया गया था? तो वो था देसा सिंह मजीठिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा देसा सिंह मजीठिया। अगला सवाल है चंबा की सांस्कृतिक वो धरोहर को सुरक्षित करने के लिए भूरी सिंह संग्रहालय जो कि चंबा में है, ठीक है, वो डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में कब खोला गया? तो ये खोला गया है 1908 में। याद रखिएगा यहीं पे आपके डॉक्टर फोगल को भी याद रखना है, भूरी सिंह संग्रहालय को भी याद रखना है, चंबा में ये है, और ईयर भी याद रखना है सन 1908। प्यारे बच्चों पूरा क्वेश्चन में ही 2-3 सवाल बनते हैं, कुछ भी आएगा पेपर में यहीं से आएगा, तो इसलिए घुमा कर पूछे जाते हैं पेपर में। अगला है श्रावण मास के दूसरे रविवार को शुरू होने वाली चंबा के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेले में की गई शुरुआत कैसे की जाती है? तो वो है रघुवीर और लक्ष्मी नारायण के जो है मिंजर भेंट करके जो है वो की जाती है। देख सकते हैं रघुवीर यानी कि राजकुल देवता और लक्ष्मी नारायण यानी कि चंबा के मुख्य देवता को मिंजर भेंट करके जो कि मक्की के सिक्के से होती है स्टार्ट, ठीक है जी। अगला है मिंजर मेले में मिंजर किस नदी में बहाया जाता है? तो मिंजर मेला और वैसे भी नदी का नाम आ रहा है और चंबा में ये मिंजर मेला मनाया जाता है, तो अब आपको सोच सकते हैं कि इसके साथ में कौन सी नदी लगती है? वो है आपकी रावी नदी। क्या आंसर रहेगा? रावी नदी। अगला सवाल जखधार सोलह सिंगीधार ये कौन से जिले में है?
तो जगदार और 16 सिंगी जो कि बाबा बालकनाथ की आ रही है, तो इसलिए हमीरपुर जिला जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला सवाल, हमीरपुर की सबसे लंबी धार कौन सी है? तो हमीरपुर की सबसे लंबी धार ही 16 सिंगी धार है, और ऊंची पूछी जाएगी तो अवाह देवी। कौन सी है? अवाह देवी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार चंद ने मंडी के किस राजा को बंदी बनाकर 12 वर्षों तक नंदौड़ में रखा था? ठीक है जी, फिर उनको गोरखाओं ने छुड़वाया है, तो ईश्वर सेन जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, ईश्वर सेन। बच्चों अगला सवाल है, सितंबर 1972 को कांगड़ा जिले में कौन से राज्यों का निर्माण हुआ? तो 1972 में जो है तीन जो है राज्य बोल सकते हैं, जिले, सॉरी कौन जिले हैं, तीन जिले बनाए गए थे, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा, सन 1972 में ये तैयार हुए हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, हमीरपुर का ताल नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हमीरपुर में ताल नामक स्थान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो ये ताल नामक स्थान जो है वो है फेमस, किस चीज के लिए फेमस है? वो है भेड़ प्रजनन केंद्र के लिए। किस चीज के लिए बच्चों? भेड़ प्रजनन केंद्र के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सुजानपुर में होली मेला लगता है, और गासिया मेला, पिपलूरा मेला, बागी मेला, ये कहां पर आयोजित होते हैं? ये सभी मेले जो हैं, और सबसे अच्छा है सुजानपुर, तो सुजानपुर मतलब हमें नकल मिल रही है, सुजानपुर जो है वो किस जिले में आता है? वो आता है हमीरपुर जिले में, तो इसलिए इसका सही आंसर, ये सभी मेले कहां लगते हैं? हमीरपुर जिले में लगते हैं। सभी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, कि आपको हमारे नोटिफिकेशन भी आए और डेली इन क्वेश्चंस की तैयारी भी हो पाए। त्रिगत के संस्थापक कौन थे? त्रिगत मतलब आप समझ रहे हैं, निकि कांगड़ा की बात की जा रही है, तो इसके संस्थापक कौन है? तो भूमि चंद इसके संस्थापक हैं। अगला सवाल, त्रिगत के किस राजा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से जो है वो युद्ध लड़ा था? वो थे सुशर्मा चंद। कौन थे? सुशर्मा चंद। साथ साथ में आंसर दीजिए, साथ में प्रैक्टिस करिए, वीडियो को बार बार देखिए, तैयारी खुदम खुद हो जाएगी, देखते रहिए बस। सतलुज, रावी, ब्यास के संगम संस्थान पर कौन सी रियासत बसी हुई थी? तो वो थी त्रिगत। ये तीन नदियों का संगम भी बताया गया था, याद रखिएगा। त्रिगत की राजधानी का नाम बताओ? तो वो थी जालंधर, क्योंकि जालंधर का नाम भी जालंधर राक्षस के ऊपर पड़ा है, याद रखिएगा। बैजनाथ का पुराना नाम क्या है? तो बैजनाथ का पुराना नाम है किरग्राम। क्या नाम है? किरग्राम। त्रिगत का राजा रूपचंद लूटमार करता हुआ दिल्ली तक पहुंच गया था, लौटते समय उसका सामना कश्मीर के प्रसिद्ध लूटमार शासक शहाबुद्दीन से हुआ, दोनों में मुठभेड़ हुई और लूट का माल रूपचंद को शहाबुद्दीन को देना पड़ा। उस समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था उस समय। फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से 1300 संस्कृत की जो है किताबों यानी कि ग्रंथों को साथ में ले गया है, और उसने उसका अनुवाद किस भाषा में करवाया? तो उसने सभी को फारसी भाषा में जो है अनुवाद जो है वो करवाया था। किस भाषा में? फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। फिरोज शाह तुगलक के पुत्र नसीरुद्दीन के खिलाफ कि उसके चचेरे भाइयों ने आक्रमण कर दिया, उसने भागकर नगर कोट में शरण ली थी। बाद में नसीरुद्दीन किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो वो था मोहम्मद तुगलक के नाम से जो है बाद में फेमस हुए थे। किसके नाम से? मोहम्मद तुगलक। अकबर ने बीरबल को कांगड़ा की जागीर देने के लिए, यानी कि देखिए अकबर ने कांगड़ा को भी दे रहा था बीरबल को, तो देने के लिए किसको कांगड़ा भेजा? तो उन्होंने अपने विद्वान टोडरमल को भेजा था। किसको भेजा था? टोडरमल को। उसके 9 रत्न थे अकबर के, ठीक है। तो
गोरखाओं के साथ राजा संसार चंद की पहली मुठभेड़ कहां पर हुई थी? तो हमीरपुर के महल मोरियो में हुई थी। कहां पे हुई थी? हमीरपुर के पास ही पड़ा महल मोरियो, जो कि भोरंज के समीप है। भोरंज एक प्लेस है हमीरपुर में, वहां पर। गोरखों से बातचीत के लिए राजा संसार चंद ने किसे भेजा था? तो वो उन्होंने अपने वजीर को भेजा था, नौरंग राय। किसको भेजा था? अपने वजीर नौरंग राय को भेजा था। अगला सवाल है, संसार चंद गोरखों से बचने के लिए साधारण किसान के वेश में कहां गए थे? तो गोरखों से उन्होंने बचाव अपना करना था, तो वो सुजानपुर टीरा में जो है उन्होंने शरण ली थी और वहां पर रहे थे। नूरपुर रियासत की राजधानी क्या है? बहुत इजी है, आपको कल भी बताया है। और पठानकोट, ये इसका सही आंसर है। अगला है, किस वर्ष सिख अंग्रेज युद्ध हुआ तथा कांगड़ा अंग्रेजों के हाथ में आ गया था? तो ये था सन 1846। प्राचीन काल में घमेड़ के नाम से प्रसिद्ध नूरपुर रियासत का नामकरण जहांगीर के किसके नाम पर रखा गया था? तो जहांगीर के किसके नाम पर उन्होंने रखा था? तो वो था उनकी बेगम नूर जहां। तो नूर जहां के नाम पर जो है वो नूरपुर का नाम जो है वो रखा गया। घमेड़ नाम था पहले, या घमेड़ी भी आता है कई जगह, ठीक है। तो उनका नाम जो है चेंज करके क्या नाम रखा? नूरपुर। और नूरपुर क्यों रखा? वो उनकी बेगम थी नूर जहां, उसके नाम पर। पूर्व में किन्नौर किस जिले का भाग था? यानी कि किन्नौर पहले कौन किसका भाग था? तो वो था महासू का। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किन्नौर का प्रादुर्भाव कब से हुआ, यानी कि कब से वो अस्तित्व में आया? तो वो आया था सन 1960, यानी कि 1 मई 1960। कब आया था जी? 1 मई 1960। किन्नौर का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हेडक्वार्टर से जुड़े हुए भी। रिकांगपियो। किन्नौर और तिब्बत के बीच सीमा का निर्धारण किस पर्वत माला द्वारा जो है होता है, यानी कि उसको डिवाइड कौन सा करता है? तो जास्कर श्रेणी या जास्कर पर्वत जो है वो इसको अलग करता है दोनों को, तिब्बत और किन्नौर को। लियो पारगिल और पाराशाला पर्वत चोटियां कहां पर स्थित है? तो ये भी वहीं पे हैं, किन्नौर में, याद रखिएगा। अगला सवाल है, हांगरंग रोपा और बसपा घाटियां, बसपा से मेरे को याद जल्दी आ जाता है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा किन्नौर। कहां पे हैं ये? किन्नौर। अगला है, न्योजा के वृक्ष कहां पर पाए जाते हैं? तो न्योजा के वृक्ष जो हैं वो भी किन्नौर जिले में ही पाए जाते हैं। अगला है और लास्ट अंतिम सवाल है, 650 सवाल हमारे हो चुके हैं, क्यार बाखल और कराली क्या है? तो ये किन्नौर की तीन प्रकार की मिडियां हैं, तीन प्रकार की मिडियां हैं। ये हैं 650 सवाल जो कि मैं आपके पास लेकर आया था, ठीक है। आपने हमें समय दिया, इतना प्यार दिया, और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा अब आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, और बने रहिएगा हमारे साथ। इसी तैयारी को और मजबूत करेंगे हम, और बेहतर तैयारी करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। आप फटाफट जो है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।